कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि रक्तदान करने आए लोगों का परीक्षण करने के बाद ही उनका रक्त लिया गया। गुड फील, मैं तो लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग भी बढ़ के इसमें हिस्सा लें, और मेरे क्षेत्र के पार्षद भाई मुस्लिम खान भोलू साहब ने इसके लिए मुझे बताया, तो मैंने यहाँ पे आकर डोनेशन किया है। आपको मालूम है कि ये बेड कहाँ जाएगा, किन के लिए जाएगा? हाँ, ये बच्चों के लिए फाउंडेशन है, उसके ये जो है वहाँ पर जाना है इसको। और मैं सभी कानपुर वासियों से अपील करूँगा कि आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जिस तरह से पुलिस ने ये पहल करी, कितना सही मानते हैं? बहुत अच्छी पहल है ये, मैं कमिश्नर जी को भी इसके लिए धन्यवाद अदा करूँगा इसके लिए। क्षेत्र के पार्षद मुर्सलीन खान ने बताया, पुलिस के सहयोग से इस तरह के कैंप का आयोजन किया गया। उनका कहना था कि जिस तरह से थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन आगे आया है, उसके लिए वह बधाई का पात्र है। मैं कमिश्नर महोदय को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आज थैलीसीमिया बच्चों के लिए जो ये कैंप ब्लड का लगाया गया है, और हम लोगों ने बढ़ चढ़कर थाना प्रभारी महोदय बलराम मिश्रा जी की उसमें थाना कर्नलगंज में आज हम लोगों ने ब्लड जो है डोनेट किया है, और उनका हम तहे दिल से प्रशासन का और सीपी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। क्या क्या कसने देंगे अपने? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे बढ़ चढ़कर लोग, जो भी लोग हैं, इस बीमारी को ख़त्म करना है। जो बेचारे ब्लड बच्चों को नहीं मिल पाता है, ये कमिश्नर पुलिस महोदय ने बहुत अच्छा काम किया है, ताकि इस लोग बढ़ चढ़ कर जो खून अपना ब्लड दे रहे हैं, तो उन लोग को ये बच्चों को मिले और इनका जीवन बचे। और हम दुआ करते हैं कि जो लोग ब्लड दे रहे हैं और जो लोग अभी नहीं आए हैं, वो भी आके इसमें जो है अपना रक्तदान करें, और सभी लोगों का धन्यवाद अदा करते हैं, आप लोगों का भी, सभी भाइयों का।